लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कहते हैं ना, एक बाप के लिए उसकी औलाद उस स्कीम की तरह है जहां एक बार इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है। बाप आधी से ज्यादा जिंदगी निकाल देता है कि उसकी औलाद भी पैरों पर खड़ी हो, और जो दुख वो आज देख रहा है उसकी औलाद उन दुखों को ना देखे। बच्चे की पढ़ाई से लेकर कॉलेज और पॉकेट मनी तक बाप को हर इंतजाम समय से पहले करना पड़ता है, और फिर कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं जो बुढ़ापे में उनको भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें लायक बनाया है। आज हम आपको एक ऐसे बाप के बारे में बताएंगे जिसका बेटा आज करोड़ों रुपए कमा रहा है, बड़ा स्टार है, लेकिन वो बाप खुद दो वक्त की रोटी के लिए रेलवे स्टेशनों पर बिस्कुट बेचता है। इनका नाम है सिन्हा स्वामी। ये क्रिकेट जगत के ऐसे सितारे के बाप हैं जिसको कई लोग गेंदबाजी में भगवान की तरह पूजते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट और वनडे विकेट लेने वाले महान श्रीलंकाई स्पिनर मुथैया मुरलीधरन की। जी हाँ, मुरलीधरन भले ही करोड़ों के मालिक हों पर उनके पिता अब भी रेलवे स्टेशन पर बिस्कुट बेचते हैं। एक श्रीलंकाई अखबार को दिए इंटरव्यू में सिन्हा स्वामी ने खुद बताया कि वे आज तक बिस्कुट बेचते हैं, और उन्होंने बिस्कुट बेचते हुए कभी भी बेटे मुरलीधरन के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। वे ऐसा करके बिजनेस को दोगुना कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। सिन्हा स्वामी ने कहा, मैं अपने बेटे के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं अपने फायदे के लिए उसका नुकसान नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि मुरलीधरन के पास श्रीलंका के एक बड़े ब्रांड के बिस्किट के एंडोर्समेंट हैं, और वे नहीं चाहते कि मुरलीधरन को इनसे होने वाली कमाई बंद हो जाए। बेटे के बदौलत आलीशान घर और तमाम शानो शौकत होने के बावजूद मुरलीधरन के पिता बेहद सिंपल लाइफ जीते हैं। वे हमेशा एक सफेद रंग की लुंगी में नजर आते हैं।